महामारी। बिना डिग्री अस्पताल चला रहे युवक के खिलाफ मामला दर्ज। पटाखों से पैदा हुए स्मॉग ने बढ़ाया जींद में प्रदूषण। सरकार ने किसानों से की पराली व फसल अवशेष न जलाने की अपील। कैथल में 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जिला स्तरीय बाल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। स्कूली बच्चों के प्रोत्साहन के लिए होंगी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं। और सरदार पटेल की जयंती पर 31 को रन फॉर यूनिटी में दौड़ेगा हिसार। उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं ममता रानी, अब समाचार विस्तार से। भैया दूज पर्व आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज बहनों ने अक्षत और रोली से अपने भाई को तिलक लगाकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की और भाइयों ने अपनी बहनों को अनेक मनपसंद उपहार दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भैया दूज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में पीएम मोदी ने कहा है कि यह त्यौहार भाइयों और बहनों के बीच के संबंधों को मजबूत बनाता है। स्वास्थ्य विभाग जींद की टीम ने अवैध रूप से झोला छाप डॉक्टर द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल को नाबालिग का गर्भपात करने एवं डिग्री न होने के आरोपों के चलते सील कर दिया है। सिविल सर्जन शशि प्रभा अग्रवाल ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में एक व्यक्ति अवैध रूप से अस्पताल चला रहा है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है और उसने किसी नाबालिग का गर्भपात भी किया है, जिसके आधार पर एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई। टीम को देखकर आरोपित युवक फरार हो गया। उसके यहां से प्रतिबंधित दवाइयां भी मिली हैं। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत के आधार पर शहर पुलिस ने युवक के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट, ड्रग एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ये एक नजायज गर्भपात का मामला है जो कि एक जीवन कुहाना रोड पे अनमोल जीवन नाम का अस्पताल है, उसमें एक नाबालिग लड़की का गर्भपात किया गया है। हमें गुप्त सूचना मिली थी तो हमने वहाँ जाके जांच की और उसके पास कोई मेडिकल की डिग्री नहीं थी, 12वीं पास था वो। उसकी दुकान सील कर दी गई है, आगे की कार्रवाई अभी जारी है। वो फरार है अभी, वो उसके बयान दर्ज नहीं किए जा सके। जींद की ही लड़की रहने वाली है। दीपावली के पर्व पर अंधाधुंध चलाए गए पटाखों ने जींद की आबो हवा को काफी हद तक खराब कर दिया है। पटाखों से पैदा हुए स्मोग के कारण लोगों को आंखों में जलन महसूस होने लगी है। जिला मुख्यालय के नागरिक अस्पताल में भी दमा और आंखों की एलर्जी के रोगियों की संख्या में इजाफा हो गया है। जींद में वायु प्रदूषण का स्तर 280 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर के पार पहुंच गया था, जो कि सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। दीपावली के पर्व पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पटाखे चलाने के कारण हवा में प्रदूषण का स्तर एकाएक बढ़ गया। स्वास्थ्य विभाग जींद के उप सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर जब भी घर से बाहर निकले तो मुंह को ढक कर निकले और मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से किसानों से भी अपील की गई है कि वे पराली अथवा कोई भी फसल अवशेष न जलाएं। देखिए, जैसा मौसम विभाग के अनुसार जो एयर का पोल्यूशन लेवल है वो काफी हद तक बढ़ गया है, इसलिए जो आम जनता है उनसे यही अपील है कि वो जो सांस के पेशेंट हैं या बड़े बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं वो घर से बाहर ना निकले। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो अपना मुंह को ढक कर निकलें या फिर मास्क का उपयोग करें। दीपावली पे सरकार की तरफ से क्रैकर फ्री दीपावली की हिदायत दी गई थी, इसीलिए स्टॉल वगैरह जो है, जो पटाखों के स्टॉल थे वो सरकार की तरफ से बैन थे, बंद किए गए थे। बावजूद उसके ये देखने में आया कि कुछ एक जगह जो है ना वो दिवाली के पटाखे, फुलझड़ियाँ, अनार वगैरह छोड़े गए, तो उससे जो पोल्यूशन का स्तर है काफ़ी बढ़ा है। और दूसरा ये भी देखने में आया कि कटाई का सीजन है, कुछ जगह जो किसान भाई हैं वो भी पराली को जला देते हैं, उनको भी सरकार की तरफ से हिदायत है कि पराली को ना जलाया जाए और आम जनता को इससे जो परेशानी होती है और जो
एयर पोल्यूशन का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिससे कि ना केवल अस्थमा व दमा के पेशेंट को दिक्कत व परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी सांस लेने में कठिनाई का सामना होता है। कैथल जिला बाल कल्याण विभाग द्वारा 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जिला स्तरीय बाल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को ग्रुप डांस, सोलो सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग, फैंसी ड्रेस, भाषण प्रतियोगिता, फन गेम्स, क्ले मॉडलिंग, कार्ड मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, रंगोली सहित कई प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि नगराधीश सुरेश रवीश ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अंदर छिपी कला को दिखाने का यह एक अच्छा मौका है। जिला बाल कल्याण अधिकारी राजेंद्र बहल ने कहा कि इस बाल महोत्सव कार्यक्रम में जिले के लगभग सभी स्कूलों के छोटे और बड़े बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ से जीतने वाले बच्चे जोनल और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले प्रतियोगियों को हरियाणा के राज्यपाल सम्मानित करेंगे। विभिन्न स्कूलों के बच्चे हमारे पास कॉम्पिटिशन्स के लिए आएंगे, पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं, 19 तरह के कंपटीशन हम लोग इसमें करवा रहे हैं, जिसमें आज जो कंपटीशन होंगे उसमें ग्रुप डांस ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड का और सोलो डांस ग्रुप थर्ड एंड फोर्थ का। तो आज के ये दो कंपटीशन आज रहेंगे और इसी तरीके के सारे जो कंपटीशन हैं वो 7 तारीख तक लगातार चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसमें पूरे स्कूलों के बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट कैथल के हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारा सबसे पहला काम ही यही है कि जो बच्चे जिनके अंदर प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उसको निखारा जाए और बाहर निकाला जाए और उनको मंच प्रदान किया जाए। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों ने कहा कि उन्हें ऐसे कार्यक्रम में भाग लेकर बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि इससे जहां उनके अंदर छिपी कला को निखारने का अवसर मिलता है, वहीं उन्हें विभिन्न राज्यों के नृत्य और वहां की वेशभूषा पहनकर संस्कृति की जानकारी मिलती है। यहाँ हमें अनेक प्रकार के डांस देखने का मौका मिलता है, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ आई हैं, यहाँ हमें देश की हर कला को देखने का मौका मिलता है। इस मंच पर आकर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आकर एक अलग ही अनुभव हमें महसूस होता है। हम अपने जो भी हमारी गलतियाँ होती हैं इस मंच पर आकर हम उनको और सुधार सकते हैं और जिनमें भी हमारी जो छुपी हुई कला है हम उनको सभी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। मानवी डांस और हिमाचली सॉन्ग या डांस करवाते हैं तो देश विदेश के बारे में हमें पता चलता है, जो हमारी संस्कृति है उससे हमें अच्छा लगता है। ये जो डांस होते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम ये ड्रेसें पहन के स्टेज पे नाचते हैं, गाते हैं, जो करते हैं हम, तो दूसरों का मन मोह लेता है वो। बच्चे हमें डांस करना चाहिए और सभी को सिखाना भी चाहिए। जैसे हमारी मैम ने हमें बहुत सारी हिम्मत दी है कि डांस करो और कराओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत हिसार में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ी, विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट व शहरवासी भाग लेंगे। उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि वर्ष 2014 से प्रतिवर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी के तहत दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से नागरिकों को एकता व भाईचारे का संदेश दिया जाता है। उन्होंने बताया कि रन फॉर यूनिटी की दौड़ 31 अक्टूबर को महावीर स्टेडियम से सुबह 7 बजे शुरू की जाएगी। यहाँ से शुरू होकर दौड़ हकरवी परिसर से होते हुए राजगढ़ रोड, साउथ बाईपास तथा बालसमंद रोड होते हुए वापस महावीर स्टेडियम पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें नगर निगम के संयुक्त आयुक्त, DDPO, DSP, जिला खेल अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, सिविल सर्जन व DIPRO को सदस्य तथा पुलिस अधीक्षक को सह अध्यक्ष बनाया गया है। उपायुक्त ने कहा कि कार्यक्रम के उपरांत 11 बजे जिला सभागार में अधिकारियों व विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय एकता की शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा 31 अक्टूबर व 1 नवंबर को हिसार में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
इसके लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। जिला खेल अधिकारी सतविंदर गिल ने बताया कि जिला स्तरीय खेल महाकुंभ में 31 अक्टूबर को महिला तथा 1 नवंबर को पुरुष ओपन कैटेगरी में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तीरंदाजी प्रतियोगिता गांव उमरा स्थित तीरंदाजी मैदान में एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, जूडो, वॉलीबॉल, कुश्ती, वेटलिफ्टिंग, वुशु व ताई कमांडो प्रतियोगिताएं महावीर स्टेडियम में, बॉक्सिंग प्रतियोगिता यूनिवर्सल बॉक्सिंग एकेडमी में, फुटबॉल व कबड्डी प्रतियोगिता जाट कॉलेज में तथा हॉकी प्रतियोगिता हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 के समीप बने एस्ट्रोटर्फ मैदान में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को ₹2,000, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को ₹1,500 तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को ₹1,000 प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों के प्रत्येक खिलाड़ी को क्रमशः 1,500, 1,000 व 750 नगद रूप में प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिताओं में भागीदारी करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को जलपान के लिए ₹50 प्रति खिलाड़ी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भागीदार करने वाले सभी खिलाड़ी अपने साथ आधार कार्ड व रिहायशी प्रमाण पत्र लेकर आए, इनके बिना खिलाड़ी प्रतियोगिता में भागीदारी नहीं कर सकेंगे। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से नशे को जड़ मूल से उखाड़ने का सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को इस नामुराद बुराई से बचाया जा सके। यह बात आज सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने कही। वे आज फतेहाबाद के रतिया में यहां से नवनिर्वाचित विधायक लक्ष्मण नापा के सम्मान समारोह में पहुंची थी। सुनीता दुग्गल ने कहा कि फतेहाबाद को रेल लाइन से जोड़ने के लिए वह उच्च अधिकारियों से बात कर चुकी हैं तथा वह फतेहाबाद रतिया को रेलवे मानचित्र पर लाने में जुटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के लिए भाजपा ने जेजेपी पार्टी से गठबंधन बहुत सोच समझ कर किया है तथा यह सरकार पूरे 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करेगी। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद तथा रतिया ने लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों में जो भाजपा को समर्थन दिया है उसका धन्यवाद करने के लिए वह यहाँ आई है। मुझे जिस चीज की चिंता रहती है ये 2-3 बातें। नंबर 1, यहाँ से धीरे धीरे करके जो भी हम कर सके वो सब कार्रवाई करके हमारे बच्चों के अंदर से नशे को खत्म करना। ये मैं नापा जी से कहूंगी कि हम मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात करके जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे ताकि हमारा रतिया विधानसभा जो है, बल्कि पूरा का पूरा सिरसा लोकसभा के बारे में ही मैं कहूंगी कि हमारे बच्चे जो है यहाँ से फतेहाबाद जिला जो है वो कटा हुआ है। मैंने ये बात उनको कही कि देखिए जी इतने साल हो गए जिला बने हुए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जींद में नाबालिग का गर्भपात करने के आरोप में निजी अस्पताल को किया सील, बिना डिग्री अस्पताल चला रहे युवक के खिलाफ मामला दर्ज। पटाखों से पैदा हुए स्मोग ने बढ़ाया जींद में प्रदूषण, सरकार ने किसानों से की पराली में फसल अवशेष न जलाने की अपील। कैथल में 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जिला स्तरीय बाल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, स्कूली बच्चों के प्रोत्साहन के लिए होंगी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं। और सरदार पटेल की जयंती पर 31 को रन फॉर यूनिटी में दौड़ेगा हिसार, उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।